अब तक आपने देखा कैसे रामा चोर का रूप बदलकर गुंडप्पा के साथ राज मृतकी सौदामिनी के घर में चोरी करने घुसता है। उसी समय तथाचार्य भी सौदामिनी के साथ उसी घर में होते हैं। रामा के घर में घुसने की आहट से सौदामिनी चौकन्नी हो जाती है। सौदामिनी के नथ ढूंढते ढूंढते रामा तथाचार्य से टकरा जाता है। तथाचार्य को देर रात सौदामिनी के घर में देख रामा तथाचार्य का फायदा उठाकर तथाचार्य से ही नथ चोरी करवाता है। दरबार में सौदामिनी महाराज के सामने अपनी विपदा प्रकट करती है और महाराज क्रोधित होकर पूरे नगर में चोर को ढूंढने का आदेश देते हैं। तभी रामा राज दरबार आकर महाराज को बताता है कि चोर कौन है। अब आगे कौन है वो चोर? महाराज, वो चोर इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित है। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और जो भी कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो चोर इस समय यहीं इसी दरबार में उपस्थित है। ये इस ढोंगी का प्रपंच है महाराज, ये क्या बताएगा चोर कौन है? ये स्वयं कहां था? कहां था? राजनर्तकी सुदामिनी के घर। आपसे किसने कहा? क्या किसने कहा? यही कि मैं राजनर्तकी सुदामिनी के घर पे था। कौन कहेगा, हमें पता है। कैसे पता है, मैं तो वहाँ था ही नहीं। थे? नहीं था। अच्छा, वहीं थे। कौन कहता है? हम कहते हैं। आप तो यूँ कह रहे हैं जैसे आप स्वयं वहाँ उपस्थित थे। हाँ तो थे ना, हम भी वहीं थे। कहाँ? सुदामिनी के घर। आचार्य, आधी रात को आप राजनर्तकी के घर पे क्या कर रहे थे? गया बड़ों काम से। आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य, आप आधी रात को वहाँ कर क्या रहे थे? आप ही से पूछ रहे हैं। अरे आचार्य, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? आप सबको बताइए ना कि आप वहाँ मेरे साथ थे। और नहीं तो क्या मुनिवर? महाराज मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। जब आपने मुझे चोर को पकड़ने के लिए 3 दिन की म्याद दी तो मैं घबरा गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी मैं चोर को पकड़ूंगा कैसे। तब स्वयं आचार्य तथाचार्य मेरे पास आए, इन्होंने मेरा साहस बढ़ाया। इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं मेरे साथ है। फिर रात को चोर पकड़ने के लिए हम गश्त पे निकले। हम सुदामिनी जी के घर के बाहर से गुजर ही रहे थे कि हमने इनके चिल्लाने की आवाज सुनी, चोर चोर चोर। घबरा कर हम इनके घर की तरफ भागे ही थे। क्यों आचार्य, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था हमारा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, यही हुआ था। क्यों सुदामिनी जी, सही कहा ना मैंने, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? हाँ हाँ महाराज, ऐसे ही हुआ था। संगीत का रियाज करते करते कब आधी रात बीत गई हमें पता ही नहीं चला। रियाज समाप्त होने के बाद जब हमने अपने गहने रखने के लिए अलमारी खोली तब हमें पता चला किसी ने हमारी नथ चुरा ली है। तभी हमने वहाँ से किसी को भागते हुए देखा और हम जोर जोर से चिल्लाए भी, चोर चोर चोर। इनकी पुकार सुनकर इधर से हम भागे और उधर से चोर नथ चुरा कर भागता हुआ आया और हमसे टकरा गया। आगे आप बताइए। आगे आगे आगे, बिल्कुल सही कहा, आगे ये थे पीछे मैं था। चोर पहले इन्हीं से टकराया था महाराज। अच्छा आचार्य, इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले चोर को देखा है? हाँ, चोर मतलब देखिए महाराज, देखिए यही तो इनकी महानता है महाराज, हर बात का श्रेय मुझे देना चाहते। चोर को पहले इन्होंने देखा परंतु ये चाहते हैं कि उसका नाम और पहचान बताकर सारा श्रेय मैं ले जाऊं। महान राजगुरु की इस महानता को मेरा शत शत नमन है प्रभु। देखा मनी, क्या धो के मारा ये पंडित गुरु जी का? अरे अभी तो केवल धो रहा है, इसके हिसाब से लगता है निचोड़ेगा भी, सुखाएगा भी, और सोखने के लिए बाहर भी टांग देगा। परंतु महाराज मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ,
कि आदरणीय आचार्य की सारी उपलब्धियों का श्रेय मैं ले जाऊं। इसलिए आचार्य मैं चाहूंगा कि आप स्वयं यहाँ सबके सामने महाराज को उस चोर का नाम बताएं। बताइए महाराज को कि वो चोर कौन है। हम आप आचार्य? नहीं नहीं मतलब हम पंडित से पूछ रहे थे, क्या हम बताएंगे चोर कौन है? हाँ आचार्य आप ही बताएंगे ना, बताइए महाराज को कि वो चोर कौन है। वो चोर आचार्य आप यही कहना चाहते हैं ना कि चोर और कोई नहीं बल्कि ये कोतवाल है। हमें चोर कह रहे हैं, हम आपके नगर कोतवाल है महाराज, आप बताइए हम कैसे चोर हो सकते हैं? अब अगर हम चोर हैं तो पूछिए महाराज इसके पास प्रमाण क्या है मेरे चोर होने का। कुछ दिन आपकी संगत में रहकर इतना तो हम भी सीख ही गए कोतवाल जी कि बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इसलिए प्रमाण तो है महाराज, और वो प्रमाण है है महाराज, जिसे ये चोर अपनी हर चोरी के बाद घटनास्थल पर छोड़कर जाया करता था। और केवल इतना ही नहीं महाराज, इसका अपराध प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कुछ और भी है, एक ऐसा अकाट्य प्रमाण जिसे देखने के बाद किसी को किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, और वो है ये। देखिए तथाचार्य जी वही है ना। झूठ, एकदम झूठ, ये षड्यंत्र है महाराज, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है महाराज। आचार्य आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आचार्य आप यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हैं? आप महाराज को बताइए ना कि यही वो चोर है जिसे आपने कल मध्य रात्रि सुदामिनी जी के घर से नथ चोरी करके भागते हुए पकड़ा था।
बताइए ना, बताइए। बोलिए आचार्य। आचार्य तथाचार्य, आप जानते हैं कि हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सत्य आपके मुंह से सुने। तो बताइए हमको, कल मध्यरात्रि राज नर्तकी सुदामिनी के घर पर जिसको आपने देखा था, वो क्या यही कोतवाल थे? हम आपसे पूछ रहे हैं आचार्य। हाँ हाँ। क्या? हाँ आचार्य, थोड़ा जोर से बोलिए, महाराज को सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा जोर से। हाँ महाराज, यही वो दुष्ट चोर। यही वो चोर महाराज, जिसने राज नर्तकी सुदामिनी देवी के घर से नथ चुराई। आचार्य, जब अधर्मी खबरदार अपनी जुबान से हमारा नाम तक लिया तो महाराज इसे दंड दीजिए। ऐसा दंड दीजिए कि विजयनगर की न्याय व्यवस्था के इतिहास में ऐसा दंड किसी को न मिला हो। हम तथाचार्य, राजपुरोहित तथाचार्य आपसे कहते हैं, मृत्यु दंड दीजिए इस पापी इंसान को। बिच्छू प्रवृत्ति वाले मनुष्य की मित्रता तभी तक है जब तक कि उसे अपना असल स्वभाव दिखाने का अवसर नहीं मिल जाता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अवसर मिला नहीं कि असल स्वभाव बाहर आया नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? सोचो सोचो, कोई 150 बिच्छू थोड़े ना पाले होंगे तुमने। जब रक्षक स्वयं भक्षक बन जाए तो न्याय प्रणाली से कोई न्याय की आशा कैसे रख सकता है? ये अपराधी तो उन अपराधियों से भी अधिक दंड के योग्य है जो कानून तोड़ते हैं। इसीलिए इसे तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि सभी को सबक मिल जाए। ये हमारा आदेश है कि कल प्रातकाल सरेआम सभी के सामने पूरे नगर से इसका जुलूस निकाला जाए, ताकि सभी लोगों को इस चोर का, इस दुष्ट का असली चेहरा पता चले। और फिर परसों प्रातकाल और फटते ही इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तब तक फांसी के फंदे पर झुलाया जाए जब तक कि इसके प्राण पखेरु उड़ ना जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। रामकृष्ण नहीं, पंडित रामकृष्ण को जो मियाद दी गई थी उसके समाप्त होने से पहले इन्होंने अपना कार्य संपन्न किया और ये प्रमाणित किया है कि वो निर्दोष है। इसलिए पंडित रामकृष्ण को इस आरोप से मुक्त किया जाता है और पूरे सम्मान के साथ इन्हें स्वतंत्र किया जाता है। अपराधी पर घोषित इनाम की धनराशि भी पंडित रामकृष्ण को दी जाती है। सभा समाप्त। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। क्यों कोतवाल जी, कैसी रही?
मेरे विचार से अब तो आपको भी अनुभव हो ही गया होगा कि जब किसी निर्दोष को दंड मिलता है तो कैसा लगता है। बंदी बना लिया जाए इस बातचीत अपराधी को कोतवाल, यही है वो दुष्ट चोर। मैं तो निर्दोष हूँ। निर्दोष हूँ तो फिर ये क्या? समय की नजाकत ने आज हमें चुप रखा पंडित रामाकृष्णा, परंतु भविष्य के गर्भ में तेरे लिए कौन सी सजा लिखी इसकी प्रतीक्षा तो हमें भी रहेगी। क्या बोलता है बंधु, मेरी प्रशंसा में कुछ कहेगा नहीं? मूर्ख है तू रामा, जो तुझे लगता है कि तूने सबको बेवकूफ बना दिया है। मतलब यहाँ कोई ऐसा भी है जिसे तेरी किसी बात से कोई संजोग नहीं? कौन है वो? देख वहाँ। तुम्हें क्या लगता है आज जो रात दरबार में हुआ बाकी सब लोगों की तरह हम भी उससे सहमत होंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं पंडित रामाकृष्णा एक कोतवाल चोर नहीं हो सकता। ये तुम्हारा खेला हुआ प्रपंच था, छल था। क्षमा करें मंत्रीवर, किंतु छलावे के साथ छल और कुप्रपंच के साथ प्रपंच करना किसी भी दृष्टिकोण से पाप तो नहीं है। कोतवाल ने अपना पद बचाने के लिए मुझे झूठे आरोप में फंसाया, तो मैंने अपने प्राण बचाने के लिए उसे अपराधी प्रमाणित कर दिया। मैंने तो उसे वही लौटाया प्रभु जो उसने मुझे दिया था। हाँ, जो कुछ भी हुआ व्यक्तिगत रूप पर वो कितना भी सही क्यों ना हो, न्यायिक रूप पर तो गलत ही है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं चाहता मंत्रीवर कि हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के न्याय पर किसी निर्दोष के दंड का कलंक लगे। चोर पकड़ में आ सकता है मंत्रीवर, यदि इस कार्य में आप मुझे सहयोग करें। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें किसी भी कार्य में सहयोग देंगे? न्याय के लिए मंत्रीवर, वास्तविक चोर को काल कोठरी तक पहुंचाने के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। और किस तरह के सहयोग की अपेक्षा है तुम्हें हमसे? योजना तो अच्छी है, परंतु इसमें तुम्हारे प्राणों का खतरा है। बड़े लक्ष्य के लिए तो बड़े खतरे उठाने ही पड़ते हैं। क्यों? देखो देखो देखो, सभी जन प्राणी, सभी नगरवासी, सभी नागरिक, ध्यान से देखो इस अपराधी को। यही है वो कुख्यात चोर जिसकी विजयनगर के न्याय प्रणाली को तलाश थी। होशियार बुद्धिमान पंडित श्री रामाकृष्ण के अपूर्व सहयोग से हम इसे पकड़ पाए हैं। कल इसे सबके सामने मृत्यु दंड दिया जाएगा। देखो देखो देखो। देखा गोपन्ना, इसे कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सही कहा छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या कहता था ये चोर? हवा हूँ, सब जगह रहता हूँ पर किसी के हाथ नहीं आता। अब देखा हाथ भी आ गया। और क्या कहता था? रेत हूँ, मुट्ठी में आऊंगा परंतु फिसल जाऊंगा। क्यों, अब फिसल कर आ गिरा ना कानून की गिरफ्त में?
क्यों? सही है तेनाली। कर रहा है रामा, अब इसकी क्या आवश्यकता है? शांत रहे और होने दो जो हो रहा है, सब समझ जाएगा धीरे धीरे। देखो भाइयों, इसी ने मचाया था आतंक, इसने, इस घटिया चोर ने, और आज स्वयं मृत्यु के आतंक के भय से कांप रहा है। क्या कहा करता था, मैं आग हूँ, हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। अब ये स्वयं जलेगा नरक की आग में मृत्यु के पश्चात। सच बताऊं गुंडप्पा, तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसा लज्जाहीन, ऐसा मूर्ख और ऐसा बड़बोला चोर तो कहीं देखा ही नहीं है। सच्ची सही है, सही है। मारो भाइयों, मारो। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। शायद ये करके मैं असली चोर तक पहुंच पाऊं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.